नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर मनी। दोस्तों आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपको वियाग्रा टेबलेट के बारे में बताने जा रहे हैं। इसे कब खाया जाता है, किसे खाया जाता है, इसके साइड इफेक्ट, इन्हीं सब के बारे में आज बताने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों तो बात करते हैं वियाग्रा टेबलेट के बारे में, जो सेक्स करते समय में ये टेबलेट लिया जाता है। दोस्तों इस टेबलेट का जो काम रहता है, ये आपके सेक्स पावर को 2 से 3 गुना अधिक बढ़ा देता है। दोस्तों इस टेबलेट को यूज करने से पहले कुछ लोग ना ही यूज करें तो सबसे बेटर है। जैसे जिसको अस्थमा है या जिसका बीपी ऊपर नीचे होता रहता है, या हाई बीपी के शिकार हैं, या हार्ट के पेशेंट हैं, या थायराइड जिसको है, या जिसको कम दिखाई देता है, या जिसके आँखों की रोशनी कम है, या आंखों में किसी प्रकार की समस्या हो, दोस्तों इस दवा को यूज करने से पहले कृपया अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, तब उसके बाद ये दवा यूज करें। अपने मन से ये दवा ना लें, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो दोस्तों बताते हैं ये टेबलेट क्यों यूज किया जाता है। जब कोई कपल पहली बार सेक्स करने जाता है या किसी पार्टनर के साथ सेक्स करने जाता है, तो उसे डर लगा रहता है कि मैं अपने पार्टनर को खुश ना कर पाऊँ या जल्दी फाल कर जाए, उसी के डर के कारण लोग ये दवा यूज करते हैं। दोस्तों ये दवा 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम में आता है। दोस्तों इस तरह की बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आई हैं, सबका कॉम्बिनेशन वही है, सबका फार्मूला वही है। तो दोस्तों मार्केट से कोई भी इस तरह की दवा ला के आप यूज कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इस टेबलेट को यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आप 25 mg का टेबलेट ही यूज करें। अगर 25 mg का टेबलेट आपको सूट नहीं कर रहा है या आपका उत्तेजना शक्ति नहीं बढ़ा रहा है, तो आप 50 mg या फिर 100 mg आप ले सकते हैं। दोस्तों ये टेबलेट केवल 20 साल के ऊपर के ही लोग यूज करें, ये बच्चे और बुजुर्गों से कृपया दूर रखें। अगर बच्चे या बुजुर्ग इस टेबलेट को खा लेंगे तो हो सकता है उनकी जान चली जाए, इसलिए ये दोनों लोगों से आप कृपया दूर रखें। दोस्तों चलिए बताते हैं इसके खाने के तरीके के बारे में। इसे आप नॉर्मल पानी से सेक्स करने के आधे घंटे या 1 घंटे पहले आप ले सकते हैं। दोस्तों ये टेबलेट तभी काम करेगा अगर आप टेंशन फ्री हैं या सेक्स करने के मूड में हैं, तभी ये टेबलेट आपको काम करेगा, अन्यथा ये टेबलेट आपको काम नहीं करेगा। अगर ड्रिंक करके ये टेबलेट लेना चाहते हैं तो काम नहीं करेगा। कृपया करके ड्रिंक करके ये टेबलेट आप यूज ना करें, हो सकता है आपकी जान भी चली जाए, इसलिए ड्रिंक करके आप ये टेबलेट यूज ना करें और ना किसी को करने का सलाह दें। तो दोस्तों चलिए इसके साइड इफेक्ट के बारे में बताते हैं। ये टेबलेट खाने से आपका सर दर्द कर सकता है, आपको नींद नहीं आ सकती है और आपके शरीर में या चेहरे में सूजन भी आ सकता है। अगर इस तरह का रिएक्शन आपके शरीर में दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों ये टेबलेट आप बार बार नहीं ले सकते, हफ्ते में या 15 दिन पे या महीने पे इसको आप ले सकते हैं। बार बार लेने से आपकी उत्तेजना शक्ति जो है वो आपकी धीरे धीरे कम होती जाएगी, इसलिए इस टेबलेट को आप बार बार यूज ना करें। जहाँ तक हो इस टेबलेट को आप बढ़ाएं या इस टेबलेट से दूर ही रहें तो सबसे बेटर है। जो प्राकृतिक उत्तेजना क्षमता है वो आपका बरकरार रहेगा। अगर बार बार ये टेबलेट यूज करेंगे तो हो सकता है आपकी उत्तेजना शक्ति धीरे धीरे कम हो जाए। दोस्तों इसी तरह कपल रिलेटेड वीडियो हम आगे और लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो को आगे ना बढ़ाते हुए वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।